सबको रोमन रेंस ही चाहिए। मेरा मतलब है कि सबको रोमन रेंस के अगेंस्ट यूनिवर्सल टाइटल शॉट चाहिए। क्या रेट्रीब्यूशन अपना स्पार्क खो चुकी है और क्या सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को उनके न्यू फैक्शन में ज्वाइन करेंगे? इन सभी कमाल की अपडेट्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फीलिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी को बता दूं, आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स चाह रहे थे कि मैं Q&A करूं, तो जल्दी Q&A पे वीडियो आएगी, बट उससे पहले आपको कुछ मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। इसलिए मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाली हुई है, उस पे जाके आप अपने कमेंट कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिमेंबर, क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पोस्ट से ही उठाऊंगा, तो प्लीज़ वहीं अपने क्वेश्चन पोस्ट करें। तो चलिए अब आते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट्रीब्यूशन की। जैसा कि हाल ही में मुस्तफ़ा अली इस ग्रुप के लीडर के तौर पर सामने आए थे। अब जब ये ग्रुप पहली बार WWE में दिखा था, तब मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इसके लीडर अली होंगे, बट फिर वो बात पुरानी हो गई तो इस बारे में बात नहीं हुई। बट रेट्रीब्यूशन का जब लीडर सामने आया और जब सामने नहीं आया था, उससे पहले रेट्रीब्यूशन को देख कर मज़ा आ रहा था। इस टीम में एक तड़क भड़क थी, बट अब ऐसा लग रहा है कि इस टीम में अब स्पार्क नहीं है। देखिए, अली एक बहुत अच्छे सुपरस्टार हैं, गजब की स्किल्स उनके पास हैं, बट उनकी अगर बॉडी शेप की बात करें तो वो रेट्रीब्यूशन के लीडर के तौर पर शायद फिट नहीं बैठती है। वैसे भी रेट्रीब्यूशन के जो मेंबर उनके पीछे दिखाई देते हैं वो देखने में अली से तगड़े हैं। वहीं WWE ने रेट्रीब्यूशन को उनके पहले ही मैच में हरवा भी दिया था, और मेरा मानना है कि जिस तरह से WWE ने अली को लीडर दिखाया वो सही नहीं था। कुछ और ऐसा करना चाहिए था जिससे और मज़ा आता, मतलब कि अली मास्क वगैरह में होते और फिर वो उसे उतारते तो ज़्यादा अच्छा होता। वहीं मुस्तफ़ा अली मिड कार्ड रेस्टर हैं, अच्छा होता इस ग्रुप का लीडर टॉप कार्ड सुपरस्टार होता तो इस ग्रुप की हाइप जैसे पहले थी वैसे ही बनी रहती। आपको वैसे क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के एक साथ आने को लेकर के जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने अपनी कुछ दिन पहले की एक वीडियो में बताया है कि WWE रोमन रेंस को लेकर प्लान कर रही है कि जब उनकी फ्यूड जे उसो के साथ खत्म हो जाएगी तब वो अपना खुद का एक हील फैक्शन बनाए। अब उसमें मेंबर कौन कौन होंगे वो अभी साफ नहीं है, बट माना जा रहा है कि उसमें जे उसो हो सकते हैं। बट हाल ही में ड्राफ्ट में दिखा जहां सेथ रॉलिंस स्मैकडाउन पर आ चुके हैं, तो रूमर्स ऐसे हैं कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस साथ आ सकते हैं। तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की एक टीम में आएंगे तो उनका मसीहा वाला कैरेक्टर फीका पड़ जाएगा, जो कि शायद कैसे भी सेथ रॉलिंस के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा होता दिखाई दे, बट हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये WWE है, यहां कुछ भी हो सकता है। वहीं बात आती है रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और केविन ओवंस की। आप सभी ने वो कहावत तो सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। ये कहावत इस टाइम रोमन रेंस और उनके यूनिवर्सल टाइटल के लिए फिट बैठती है, क्योंकि कुछ स्टार रोमन रेंस के साथ फ्यूड चाहते हैं, जिसमें से मेन सेथ रॉलिंस और केविन ओवंस हैं। जैसा कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस अब एक ही ब्रांड का हिस्सा बन चुके हैं, और ड्राफ्ट होते ही सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के लिए कहा था कि मेरी नजरें अब रोमन रेंस और उनके टाइटल पर हैं, तो साफ है कि सेथ रॉलिंस कहीं ना कहीं रोमन रेंस के साथ फ्यूड चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो सेथ रॉलिंस साल 2019 में दो बार यूनिवर्सल चैंपियन रहे हैं, और यूनिवर्सल चैंपियन रहते हुए उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ रॉ टैग टीम टाइटल भी जीता था। वहीं 2020 के शुरू में वो मर्फी के साथ रॉ टैग टीम चैंपियन भी रहे। अब सेथ रॉलिंस रॉ ब्रांड के बड़े सुपरस्टार रहे हैं और उन्हें अब टाइटल जीते हुए 7 से 8 महीने के आसपास हो गए हैं, तो हो सकता है कि WWE उन्हें टाइटल शॉट दे आने वाले टाइम में। वहीं इस लिस्ट में केविन ओवंस का नाम भी आता है। उन्होंने कहा कि मैं रोमन रेंस के साथ फ्यूड चाहता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी और बेहतरीन रहेगी। केविन ओवंस ने कहा कि अभी रोमन रेंस जे उसो के साथ फ्यूड में है, और जब ये खत्म होगी तो मैं चाहता हूँ कि रोमन रेंस और मेरे बीच फैंस को एक एक्साइटेड फ्यूड देखने को मिले। केविन ओवंस ने बोला कि ये कहना आसान है, वो टॉप सुपरस्टार हैं और चैंपियन भी हैं, तो कौन उनके साथ फ्यूड में नहीं आना चाहेगा। इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लैश होगा हम दोनों के बीच। अब इन सुपरस्टार ने अपनी तरफ से इस बात को कह दिया है, अब देखते हैं आने वाले टाइम में ऐसा दिखता है या नहीं। हाल फिलहाल रोमन रेंस जे उसो के साथ फ्यूड में बिजी हैं। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और हाँ, अपने क्वेश्चन पोस्ट करना मत भूलिएगा।